Good morning, beta. In last class, we have discussed so many things about the first chapter, which is a knowing our numbers. हमारे numbers को जानने पहचाने के बारे में बहुत सारी बातें की थी और उसी के साथ ही साथ मुझे पता है तब तक इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी हमने किया था. बट देर वर अ मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट की कुछ डेफिनेशंस क्लियर नहीं है, तो आज हम फिर से उन डेफिनेशंस को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं और इसी तरीके से आपको डेफिनेशन लिखनी है ताकि बाद में कोई भी डाउट ना रहे. सो अगेन वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द डेफिनेशन एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डेफिनेशन, बहुत ही अच्छे से उसको समझ लेंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट, इट इज नॉट अ डेफिनेशन, इट इज अ नेचुरल नंबर. सो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर कैपिटल एन, से उसको हम डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं. And which will starts from +1, +2, +3, +4, +5 and 3 dots. 3 dots का मतलब है it is ongoing. ये रुक नहीं रहा, ये चले ही जा रहा है. जहाँ तक number line है, वहाँ तक ये चलते जा रहा है. तो इसको हम बोलेंगे natural numbers. इसका दूसरा नाम भी मैंने बताया था, जैसे कि Brijesh का होता है B2, उसे ही तरीके से natural numbers का भी होता है positive integers. तो इसको नेचुरल नंबर बोलो, पॉजिटिव इंटीजर बोलो, दोनों यही बात है. इसमें जीरो नहीं होगा, इसको प्लस वन से ही आपको स्टार्ट करना है. नेक्स्ट थिंग वी हैड लर्नड अबाउट इज होल नंबर. व्हाट इज अ होल नंबर? कि नेचुरल नंबर के थैले के अंदर आपने जीरो डाल दिया तो वो जो नया थैला बना दैट इज अ होल नंबर. होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो वेयर एज नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन. ये चीज आपको याद रखनी है. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट डॉट डॉट, ये भी नंबर चले ही जा रहे हैं, कहीं पे रुक नहीं रहे. बट होल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0, होल नंबर 0 से शुरू होगा जबकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा. ये हो गया. देन वी वेंट फॉर अ डिजिट्स. व्हाट इज अ डिजिट? तो सारे ही सिंगल एक एक वो अंक है उसको हम डिजिट बोलेंगे. जो टोटल 10 है, 10 तक नहीं है, टोटल 10 है. 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 तक के सारे भी सिंगल डिजिट है, उसको हम डिजिट के ग्रुप में डालते हैं. 11, 10, ये सारे ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो गए, वो एक से ज्यादा डिजिट हो गए, है कि नहीं? तो डिजिट मतलब 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स को हम डिजिट बोलते हैं. ये डेफिनेशन भी हो गया, मतलब डेफिनेशन नहीं, इट इज अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट हो गया. देन वी वेंट फॉर अ न्यूमरल्स. न्यूमरल्स का क्या है? अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स denoting a number is numeral. मतलब डिजिट को इकट्ठा करके एक बड़ा नंबर आप बनाते हो तो वो जो बड़ा नंबर है उसको हम न्यूमरल बनाएं बोलेंगे. चाहे वो दो नंबर का हो, तीन का हो या 3000 का हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, जब भी डिजिट इकट्ठा होके नंबर बनाते हैं तो उसको हम न्यूमरल बोलेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे 324, ये 3 डिजिट का न्यूमरल हो गया. 5781, ये 4 डिजिट का न्यूमरल हो गया. तो न्यूमरल का मतलब कुछ भी नहीं है, डिजिट को इकट्ठा करके एक हम बड़ा नंबर बना रहे हैं, which is known as a numerals. उसके बाद हमने देखा था न्यूमरेशन. न्यूमरेशन क्या है? Expressing a number in words is known as a numeration. जब भी हम बड़े से नंबर को वर्ड में लिखना चाहते हैं तब उसको हम बोलते हैं न्यूमरेशन. न्यूमरेशन मतलब नंबर को वर्ड्स में बोलना. उसके दो तरीके हैं, एक इंडियन है और एक इंटरनेशनल है. इंडियन हमने सीख लिया था, इंटरनेशनल आज हम सीखेंगे. फॉर एग्जांपल न्यूमरेशन का है कि 324 है तो उसको हम बोलेंगे कितना? 324. तो हमने क्या किया? नंबर्स को वर्ड्स में डाल दिया. सो इट इज नोन एज अ न्यूमरेशन. अभी न्यूमरेशन और नोटेशन में थोड़ा फर्क है. क्या फर्क है? देखो न्यूमरेशन में व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग अ डिजिट ऑफ वैल्यू. मतलब यहाँ पे हमने देखा था ना वंस, टेंस, हंड्रेड, तो इसमें क्या कर रहे हो? आप डिजिट को वैल्यू दे रहे हो, 300 बोल रहे हो. यू आर एम्पावरिंग ईच डिजिट, हर डिजिट की जो कीमत है उसको आप बोल रहे हो, तो ये न्यूमरेशन है. जबकि नोटेशन में ऐसा नहीं है. नोटेशन मतलब हम मोबाइल नंबर बोलते हैं ना कि आप लिखे मेरा मोबाइल नंबर 9825 समथिंग, तो ऐसे दो चार 10 नंबर आप बोलते हो तो आपने क्या किया? डिजिट के फॉर्म में आप उसको बोल रहे हो. यस और नो? सो दैट इज नोन एज अ नोटेशन. आप कभी अपना फोन नंबर ऐसे नहीं बोल रहे कि 9,87,00,000, ऐसे कुछ पूरा नहीं बोल रहे. व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नोटेशन, आप नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं.
तो जब भी वर्ड्स को सॉरी नंबर को नोटेशन के नंबर के तौर पे बोला जाए, फॉर एग्जांपल 324 है तो 324 मत बोलो, 3 सॉरी नोटेशन में 324 को क्या बोलेंगे, 324 अगर नंबर के फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से, वर्ड के फॉर्म में लिखना है तो 324, दैट इज नोटेशन। न्यूमरेशन और नोटेशन में फर्क है, न्यूमरेशन में यू आर गिविंग ईच डिजिट इट्स पावर वैल्यू ऑफ दे रहे हो, लाख में है, हजार में है, करोड़ में है, अरब में है, वो न्यूमरेशन है। जबकि नोटेशन में जैसे आप फोन नंबर आपका बोलते हो, मोबाइल नंबर आपका बोलते हो, उसको हम बोलेंगे नोटेशन। तो नोटेशन और न्यूमरेशन में फर्क है, याद रखना। नोटेशन भी हो गया, उसके बाद पीरियड्स की हमने बात की थी कि कोई बड़ा न्यूमरल हो, बड़ा सा नंबर डिजिट इकट्ठा करके हमने 8-9 अंकों की कोई संख्या बनाए, उस संख्या को बोलने के लिए हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। उसके दो तरीके हैं, इंडियन और इंटरनेशनल, जैसे कि हमने बात की थी। तो उसको जिस हिस्सों में हम तोड़ते हैं, 322222 फॉर इंडियन एंड 33333 फॉर इंटरनेशनल, तो नंबर को, न्यूमरल्स को जिस ग्रुप में तोड़ रहे हो उस ग्रुप को बोला जाता है पीरियड्स। तो पीरियड की डेफिनेशन क्या है, अ नंबर इज स्प्लिट इनटू द ग्रुप इज कॉल्ड पीरियड। फॉर एग्जांपल 52387, ये देखो मैंने सिर्फ नंबर न्यूमरल लिख दिए हैं, इसको इंडियन सिस्टम में मैंने तोड़ा तो पिछले 3 और उसके बाद 2, कोई बड़ी वैल्यू होती है तो फिर से 2 फिर से 2 फिर से 2, तो हम क्या कर रहे हैं उसको पीरियड में तोड़ रहे हैं। तो आई होप ये सारी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, एक बार देख लो। Numerals, a group of digits denoting a number. Group of digits denoting a number is known as a numeral. Numeration, expressing a number in words is numeration. Notation, representing a number in digits is notation. And periods, a period is split into the groups is known as a period. तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, ये सारी डेफिनेशन अच्छे से जूम करके अच्छी हैंडराइटिंग में अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और अभी हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, वेलकम बैक। एज वी हैव डिस्कस्ड द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, कि किसी भी न्यूमरल, बड़ा न्यूमरल हो तो इंडियन सिस्टम में उसको तोड़ने का क्या रिवाज है। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इन इंडियन सिस्टम व्हाट डू वी डू, वी आर breaking them up, means we are making periods of 3 first, then 2 2 2 2 2, and when we are numerating it, we are turning that value into the words, yes or no? Now we do have another system of numeration, ek dusre bhi tarika hai jise hum numbers ko tod sakte hain, which is a international system of numeration. International system aur Indian system mein sirf ek hi farak hai, Indian system 3 2 2 2 2 2 2, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम 3 3 3 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन, ठीक है? सो व्हाट डू वी हैव इन डिफरेंसेस इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, कोई बड़े से न्यूमरल को तोड़ने के लिए इंटरनेशनली 3 3 3 3 3 3 का सहारा लिया जाता है। इन इंडियन सिस्टम, एज वी हैड इन इंडियन सिस्टम, जैसे कि इंडियन सिस्टम में था यूनिट्स में 1s, 10s एंड 100 था, इसमें भी वैसे 1s, 10s एंड 100 है। जैसे कि इंडियन सिस्टम में 1000 था, यहाँ पे भी थाउजेंड्स हैं। इंडियन सिस्टम में तीसरे बॉक्स में लाख आ जाता था, LAKH, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस आ जाता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है? यहाँ पे तो यूनिट 1000, ठीक है, लाख, करोड़ एंड अरब इन इंडियन सिस्टम, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट 1000, मिलियंस, billions and one more thing is trillion, trillion चाहिए तो यहाँ पे भी आपको 3 बॉक्स एक्सटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है? But billionaire मतलब बहुत सारा पैसा हो गया, बहुत सारी वैल्यू हो गई, तो trillionaire तो it is, अगर आपको एटम काउंट करने हैं ना तो ट्रिलियन में जाना पड़ेगा, आपके बॉडी में कितने सेल्स है, बायोलॉजी में आता है ना सेल्स, वो कितने हैं, वो कितने हैं, आपके बाल कितने हैं, आसमान में सितारे कितने हैं, उसके लिए ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी, वरना बैंकिंग के लिए पैसे लेने के लिए बिलियन तो बहुत हो गए, ट्रिलियन में भी होता है, बट अभी तक कोई पहुंचा नहीं, कोई पहुंचेगा तब उसको डिस्कस करेंगे। सो द सेम थिंग, फिर से इंडियन सिस्टम की बात करते हैं। इंडियन सिस्टम में सबसे पहले था यूनिट्स, उसके बाद था थाउजेंड्स, उसके बाद था लैक्स, उसके बाद था करोड़, उसके बाद था अरब। इन इंटरनेशनल सिस्टम वी डू हैव अ यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब है 1s, 10s एंड 100, उसके बाद था 1000,
उसके बाद था मिलियन, उसके बाद था बिलियन, उसके बाद था ट्रिलियन। म मिलियन, ब बिलियन, ट ट्रिलियन, ये चीज बेसिक है जो डिफरेंस आपको याद रखना है। इंडियन सिस्टम में भी हमने 10 पावर ऑफ जीरो को 1 इंडिकेट किया था। किसी का भी पावर जीरो हो तो वो 1 हो जाएगा, वो आगे के स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे, अभी सिर्फ आपको याद कर लेना है। 10 पावर ऑफ 1 इज 10। अभी आप देखो जितना उसका पावर है ना उतने जीरो आपको इंडिकेट कर रहे हैं। अभी 10 पावर ऑफ 1 का मतलब है 1 के पीछे 1 जीरो, 10 पावर ऑफ 2 का मतलब है 1 के पीछे 2 जीरो, तो यहां पे देखो 100 हो रहा है। 10 पावर ऑफ 3 का मतलब है 1 के पीछे, 10 के पीछे नहीं, 1 के पीछे 3 जीरो, दैट इज 1000। उसी तरीके से 10 पावर ऑफ 4 यू कैन डू 4 जीरोस बिहाइंड 1, 1 के पीछे 4 जीरो, और वैसे ही आप चलते जाओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप लास्ट तक जाओ, प्रैक्टिस करो ताकि अच्छे से याद हो जाए। सो दिस ऑल आर द वैल्यूज विच इंडिकेट्स कि 100,000 कितना होता है। अभी आप देखोगे 100,000 एक लाख के बराबर होता है। अगर आप उसको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को जब आप कंपेयर करोगे ना, तो 100,000 का मतलब एक लाख होता है, और 100 मिलियंस का मतलब होता है 10 करोड़ होता है। तो इसी तरीके से आप कंपेयर करोगे ना तो आप जानते जाओगे। ऐसे करो, मजा आएगा, खेलो एक दूसरे के साथ, पेरेंट्स के साथ खेलो, बड़े भाई बहन के साथ खेलो कि मैं तुझे 100 मिलियन दे रहा हूं, तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से बता कितना पैसा हुआ, कितने रुपए हुए, कितनी वैल्यू हुई। यू कैन प्ले लाइक दैट। तो ये सारी चीजें हो गई ना। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का। यहां पे देखो एग्जांपल मैंने लिया है 932। व्हाट आई एम डूइंग अभी मैं क्या बोल रहा हूं, नोटेशन बोल रहा हूं। देखो 932576122 सीधा नंबर मैंने बोल दिया, दैट इज नोटेशन। अब इसको न्यूमरेशन में बोलना है तो हर किसी की वैल्यू बोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यू है। तो यहाँ पे देखते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हम यहाँ पे है। सो फॉर 9 व्हाट वी हैव टू से, 900 क्या बोलेंगे, 932 मिलियन। तो यहाँ पे देखो 932 मिलियन, ये तीन तो हमारे हो गए, इतना हमने लिखे 932 मिलियन। अभी इसकी बात करते हैं 576,000 576,000 क्योंकि वो 1000 के कॉलम में था। अभी और चलते हैं 122 122, दैट्स इट, हो गया। देखो 932,576,122, that's it, okay, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनली हम कीमत को किस तरीके से बोलते हैं, सो इट इज अवर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आई होप ये वाली चीज भी क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हुई तो मुझे आप बताना व्हाट्सएप के ग्रुप में कि सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो आपका वर्कशीट होगा वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा, तो आप उसको अच्छे से करो और इसको ना प्रैक्टिस करो। हालांकि वर्कशीट में बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस हो जाएगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक ले लेते हैं आप ही के सामने एक एग्जांपल, ताकि फिर से आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कर सको। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल ना 1 to 9 तक का लेते हैं। क्या करते हैं 1 to 9, 1 2 3 4 5 6, व्हाट आई एम डूइंग नोटेशन में बोल रहा हूं, 7 8 9, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है कि तीन तीन नंबर छोड़ के कॉमा किया हुआ है, दैट मींस इट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। नाउ हाउ कैन वी से दैट, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम मिलियन के अंदर है, 123,456,789 यूनिट्स, और यू कैन से 789, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर इसी को इंडियन में हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9. In Indian system we know that इसके पीरियड्स 3 2 2 2 से हमें काटना है. सो 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा हो गया. अब इसको देखो, ये हो गया यूनिट्स, ये हो गया हमारा थाउजेंड, ये हो गया हमारा लाख, ये हो गया करोड़ और ये हो गया 10 करोड़. अगर आपने पिछली वर्कशीट अच्छे से की है तो इसको आप कर सकते हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे, 12 करोड़ 34 लाख 56,789. दैट इज अवर इंडियन सिस्टम. और इसको बोलना है तो 123,456,789. Whereas 12 करोड़ 34 लाख 56,789 that is in our Indian system of numeration. तो I hope ये वाला भी clear हो गया होगा. तो इससे related worksheet मैं आपको भेज दूंगा और expanded notation. ठीक है. और एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम इसी क्लास में इसको करते हैं. थोड़ी टाइम के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ. जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है अच्छी हैंडराइटिंग में अपने नोटबुक में लिख लो. ओके, लेट अस सी वन प्रॉब्लम. हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं एक्सपांडेड नोटेशन का है. एंड इट इज वेरी इजी, इसमें कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इंटरनेशनल सिस्टम हमने देख लिया, अभी हम एक्सपांडेड नोटेशन देख लेते हैं. किस तरीके से, देयर इज वन वैल्यू विदाउट एनी कॉमा, मतलब कॉमा नहीं दिया, पीरियड्स नहीं दिए, मतलब हम ये बता नहीं सकते कि ये इंडियन है या इंटरनेशनल है. ये हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज अ न्यूमरल, डिजिट को इकट्ठा करके एक नंबर बनाया हुआ है, उसको न्यूमरेशन में अभी डाला नहीं और पूछा भी नहीं है न्यूमरेशन में, उसको बस बताया है कि राइट इन एक्सपांडेड नोटेशन. अभी एक्सपांडेड नोटेशन मतलब ये हर डिजिट की वैल्यू कितनी होगी, इंटरनेशनल हो इंडियन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डिजिट की वैल्यू इस ऑर्डर में कितनी होगी वो हमें देखना है. सो एज वी कैन सी 6 2 8 4 5 0 1 value is given 6 2 8 4 5 0. ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. So 6 के पीछे कितने डिजिट है यू हैव टू काउंट. अभी 6 के पीछे 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स आर देयर. तो अगर 5 डिजिट है ना तो इसको 1 2 3 4 5 जीरोस यू हैव टू पुट. क्या करना है, 5 जीरोस आपको लगाना है. सबसे पहला मैंने 6 लिया 6, और 6 के पीछे 1 2 3 4 5 जीरो होने की वजह से, 6 के पीछे 5 डिजिट होने की वजह से मैंने 5 0 6 के पीछे लगाया. ओके, अभी 2 की बारी, सेकंड के बारे, तो यहां पे प्लस 2 मैंने ले लिया. अभी 2 के पीछे कितने डिजिट्स है यू हैव टू काउंट. 1 2 3 4 4 डिजिट है 2 के पीछे, तो यहां पे 2 के पीछे हमने 4 0 दे देने हैं. वेरी गुड, 1 2 3 एंड 4. तो ये हमारा 2 का काम भी हो गया. नाउ वी आर गोइंग फॉर अ 8, हम 8 की बात करते हैं. तो 8 को यहां पे पहले लिख ही दो. अभी 8 के पीछे कितने डिजिट्स हैं यू हैव टू काउंट, दैट इज 1 2 एंड 3 डिजिट्स आर देयर. तो क्योंकि यहां पे 3 डिजिट हैं, यहां पे 3 0 पुट कर दो, 1 2 एंड 3. यस, तो 8 का काम भी हो गया. नाउ वी आर गोइंग फॉर अ 4, तो 4 को यहां पे लिख ही दो भैया, 4 is there. अभी 4 के पीछे how many digits are there, there is 1 and 2 digits only. तो यहाँ पे 2 digits होने की वजह से सिर्फ 2 0 हम दे देंगे. उसके बाद 5 की बात करते हैं, 5 के पीछे कितने हैं, तो बोलेंगे एक ही digit है तो यहाँ पे एक ही 0 आएगा. और सबसे last वाला digit है 0, उसके पीछे कितने हैं digit, कोई भी digit नहीं है, तो वो अकेला लौटा जैसा है वैसा ही रहेगा, that is 0. ठीक है, उसकी जगह पे मान, चलो 0 आपको कंफ्यूज कर रहा है तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ. ठीक है, 1. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1. तो आप बोलोगे सर ये एक्सपांडेड फॉर्म था, नहीं इसमें और एक स्टेप, मैंने बताया ना एक स्टेप इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ.
तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप बढ़ाया ताकि आपको समझ में, यहाँ तक आप सभी को शायद सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी सेकंड स्टेप क्या करना है ध्यान से देखिए, ये क्या है 6 और उसके पीछे 1 2 3 4 5 है, कितने जीरोस हैं 5 जीरोस। तो आप 6 को तो ऐसे ही लिख दो एज इट इज इनटू, मैंने आपको अभी न्यूमरेशन के बॉक्स जब बनाया था तब मैंने आपको सिखाया था कि 10 की जितनी पावर हो, मैं पावर वाला कर रहा हूं या ऐसे ही कर रहा हूं, नहीं ऐसे ही करवाता हूँ, पावर नहीं लेके जाता। तो यहाँ पे देखो 6 को मैंने अलग कर दिया, तो यहाँ पे 1 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जीरोस मैंने ऐसे ही रख दिया। मैंने क्या किया 6 × 5 जीरोस को 6 × 1 × 5 जीरोस कर दिया, मैंने इसको तोड़ दिया, एक्सपांड कर दिया, फैला दिया, उसे वही तो पूछ रहे ना एक्सपांडेड नोटेशन को पूछ रहे, तो हमने उसको खोल दिया। 6 × 1 लाख करेंगे तो 6 लाख आ ही जाएगा, यस और नो इंडियन सिस्टम। तो मैंने इसको इस तरीके से तोड़ दिया, वेरी गुड। तो चलो इसको ब्रैकेट बनाना है तो बना सकते हो, नहीं बनाना तो भी कोई जबरदस्ती नहीं है, बट बना दो तो अच्छा है। चलो नाउ 2 × 4 जीरोस है, तो यहाँ पे 2 कर दो इंटू 1 के पीछे 4 जीरोस, तो ये भी हमारा एक्सपेंड हो गया। ये हमारा यहाँ पे एक्सपैंड हो गया, यस और नो, 6 × 1 लाख, यहाँ पे क्या हुआ 2 × 10,000 दैट इज 20,000 हो गया। तो यहाँ पे भी हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया मतलब एक्सपैंड कर दिया, फैला दिया। अभी सिमिलर वे यहाँ पे देखो, मैं प्लस को छू नहीं रहा, प्लस तो एज इट इज में डाल रहा हूं, सिर्फ यहाँ पे 20,000 था तो 10 × 20,000 कर दिया। Now for 8,000 what we have to do? 8 × 1,000 हो सकता है, यहाँ पे 400 के लिए क्या करेंगे 4 × 100, तो ये हो गया हमारा 4 × 100। उसी तरीके से 50 के लिए क्या करेंगे 5 × 10, और प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे, 1 को ऐसे ही रहने देंगे। So what we have done, we have expanded the notation, जो notation हमें दिया गया था, उसको हमने expand किया उसके value के हिसाब से। So this is what expanded of notation is. इससे related में कुछ problem आपके worksheet में डालूँगा, वो आपको इसी तरीके से अच्छे तरीके से करने हैं। यहाँ पे मैंने explain करने के लिए arrow marks डाले हैं, आपको लिखते वक्त arrow marks नहीं डालने हैं। समझ में आ गया, ये मैंने समझाने के लिए किया ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, आपको लिखते वक्त बस इसको तोड़ना है, दैट्स इट। और यहाँ पे प्लस में गलती मत कर देना, कुछ बच्चे क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस डाल देंगे, प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, वर्कशीट में भेज दूंगा उसी के हिसाब से आपको कर देनी है, और कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको घर पे समझ में नहीं आ रहे तो वो आप चाहो ना तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो कि सर ये वाले प्रॉब्लम समझ में नहीं आए, ये वाले प्रॉब्लम समझ में नहीं आए, तो मैं बोलूँगा कोशिश करो, वीडियो देखो समझ में आ रहा है तो ठीक, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से वीडियो में आपको समझा दूंगा, और अगर हमारी वो जूम मीटिंग होगी तो उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बट आप कोशिश करो, एक बार वीडियो देखो, दो बार वीडियो देखो, मुझे लगता है दो बार में तो आपको समझ में आ, एक ही बार में आ जाना चाहिए पर दो बार में भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी है इसको लिख लो, और जो वर्कशीट दे रहा हूँ उसको 6 बजे से पहले मुझे भेज देना, 6 बजे के बाद मैं उसको चेक नहीं करूँगा, ओके। सो बी पंक्चुअल विद द होमवर्क एंड एवरीथिंग, टाइम के पक्के रहो, ठीक है, टाइम में वो छोड़ना मत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता है, टिल देन इसको रिवाइज करते रहो, एंड थैंक यू सो मच बेटा।